अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे भारत को क्या फायदा है और इससे तुर्की पाकिस्तान के संबंधों पर कैसे आघात पहुंचाया जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि तुर्की का यूनान के साथ यानी ग्रीस के साथ पिछले कई दशक से एजियन सी और मेडिटेरियन सी में विवाद चल रहा है। दोस्तों ये वही यूनान है जिसके प्राचीन समय में भारत के साथ संबंध रहे थे। भारत के चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय से ही ग्रीस के सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं। ऐसे में भारत ने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने का एक बड़ा दाव चल दिया है, यानी भारत और ग्रीस अब नज़दीक आ रहे हैं। ग्रीस भी जानता है कि भारत के पास इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और भारतीय सेना का प्रभाव पूरी दुनिया में है। भारत और ग्रीस के इन संबंधों से टर्की को मिर्ची लगनी लाजमी है।